एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। गुरु लोग, पूरे ट्रेलर में मेरा ध्यान शाहरुख खान से ज्यादा दीपिका पादुकोण पर गया। अब ऐसा सिर्फ मेरे साथ हुआ या फिर बाकियों के साथ भी हुआ, ये चीज एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ठरकी हूँ इसलिए मेरा ध्यान गया, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ही एकदम दिमाग हिला देने वाला था। जितने भी शॉट उनके दिखाए गए सभी माइंड ब्लोइंग थे और शायद इसीलिए इस 2.5 मिनट के वीडियो में उन्होंने सभी के दिल में एक अलग से जगह बना ली। और दीपिका का ये लुक देखकर ना मेरी प्रोजेक्ट के से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। वेल, ये तो बात रही दीपिका की, अब बात कर लेते हैं शाहरुख खान और इस ट्रेलर की। शाहरुख खान में भी एक रॉय एजेंट है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों के देशों पर हमला करती है। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये लोग इस बार इंडिया पर हमला करने वाले हैं और इसलिए पठान यानी कि शाहरुख खान को बुलाया गया है। ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा नया लग रहा है। अब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, अब देखने में उतना अच्छा होगा या फिर नहीं, ये तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। बात करें शाहरुख खान के लुक की तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, पर उससे भी ज्यादा मुझे इनके डायलॉग अच्छे लगे। तुम्हें मारने बाजी के लिए पठान तो आया, मतलब नॉर्मल चैट तो किया ही नहीं पूरे ट्रेलर में शाहरुख ने, पूरा डायलॉग बाजी ही करते रहे, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा वैसे। और बात करें एक्शन की तो ट्रेलर के लास्ट के 10 सेकंड देखकर मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। मुझे नहीं पता कि इस सीन पर थिएटर में कितनी तालियां और सीटियां बजेंगी, पर मेरी तरफ से तो कंफर्म है। और कैमरा शॉट भी काफी ज्यादा यूनिक था। पहले इस सीन में जब जॉन अब्राहम वो रॉकेट लॉन्चर उठाते हैं तो वो कैमरा की मूविंग काफी कमाल की लगी। और इसके बाद भी कुछ शॉट में आईमैक्स कैमरे का जादू दिखा, अब वो थिएटर में दिखता है कि नहीं ये पता लगाना है। पर एक चीज की कमी लगी, वो है सलमान खान। सुनने में आया था कि ट्रेलर में ही सलमान खान की एंट्री होने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं और शायद अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि थिएटर में पहली बार देखने पर जो मजा आएगा वो यहाँ पर नहीं आता। और स्टार्टिंग में ही स्पाई यूनिवर्स का लोगो दिखा, जिसे देखकर पता चला कि ये लोग अपने स्पाई यूनिवर्स के लिए फ्यूचर में चिंतित हैं। मतलब इन्होंने स्पाई यूनिवर्स के लिए प्लान किए हैं जो हमारे और इंडियन सिनेमा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी बात भी है। वेल, अगर देखे तो ट्रेलर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। पहला स्टार दीपिका पादुकोण के लिए, जितने भी लुक लिए सभी आउटस्टैंडिंग थे। और दूसरा डायलॉग्स के लिए, सभी एक से बढ़कर एक थे। तीसरा जबरदस्त एक्शन के लिए, जो एंड में दिखा वो तो काबिले तारीफ था। और चौथा जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था उसके लिए, वो काफी ज्यादा फ्रेश और नया लगा मुझे। और रही बात स्टोरी की, वो तो अभी बोल नहीं सकते, वो तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा, तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो यार तब तक तुम लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। हां, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आप लोग कितने स्टार देना चाहते हो वो भी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है।